क्या आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं? यदि हाँ तो आज का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ खास आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ योगिक अभ्यास, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे और प्राकृतिक उपचार। तो शुरुआत करते हैं योगिक अभ्यास से। दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। इस स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, आगे झुक के नहीं बैठना है, न पीछे झुक के बैठना है। उसके बाद में दोनों पैरों के पंजों को पूरा अपनी तरफ खींचेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पंजों को ढीला छोड़ेंगे और पूरा आगे दबाएंगे। अंगूठों से जमीन को छूने का प्रयास करेंगे और इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार 4 से 5 बार दोहराएंगे। उसके बाद में दोनों पैरों के पंजों को मिलाए मिलाए पूरा पंजों को गोल घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे गोल घुमाएंगे। इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप कम से कम 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। उसके बाद में नेक्स्ट जो योगिक अभ्यास है उसको बोलते हैं जानु चक्र। पैर को घुटने से मोड़ के खड़ा करेंगे। घुटने के नीचे से आप हाथों से यूँ पकड़ सकते हैं, अगर आप यूँ पकड़ पाएँ तो यूँ भी पकड़ते हैं। और स्पाइन को सीधा रखते हुए पैर को घुटने से गोल घुमाना है, बिल्कुल धीरे धीरे पूरा ऊपर लेके जाएँ। बड़े से बड़ा गोल घुमाने का प्रयास करें। अब उल्टा गोल घुमाएं। इसी प्रकार से दूसरे पैर से। अब उल्टा, जितनी बार आपने सीधा घुमाया उतनी बार इसी को उल्टा घुमाना है। इसको भी आपको 5-5 बार दोहराना है। पहले राइट लेग से 5 बार क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर लेफ्ट लेग से 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में जो आपकी थाइस की मसल्स हैं और जो घुटने का जो पटेला है, इसको पूरा टाइट करना, छोड़ना, टाइट करना, छोड़ना, ये करना है आपको 10 टाइम। पहले टाइट करें बिल्कुल और 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे, फिर ढीला छोड़ें। 10 सेकेंड ढीला छोड़ के विश्राम करें, फिर से 10 सेकेंड टाइट रखें, फिर 10 सेकेंड ढीला छोड़ें। इसके भी आपको 5 राउंड करने हैं, 5 बार इसको दोहराना है। उसके बाद में एक चटाई ले लें, उसको रोल करके घुटनों के नीचे लगाना है, कुछ इस टाइप से। ये चटाई है, मैंने इसको रोल करके बना के रखा है, तो इसको आपको घुटनों के नीचे लगाना है। उसके बाद में स्पाइन को सीधा करके बैठना है। अब फिर से घुटनों को पूरा टाइट करना है आपको और 10 सेकंड होल्ड करना है। टाइट करें, रिलैक्स, फिर 10 सेकंड रेस्ट करेंगे, फिर से टाइट करेंगे और 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसके भी आपको 5 राउंड करने हैं। उसके बाद में इस चटाई को हटा दें। घुटनों के दर्द के लिए एक आसन अच्छा है मकरासन। उसमें आपको पेट के बल उल्टा लेटना है, दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़ना है, हथेलियों का स्टैंड बना के उसके ऊपर ठुड्डी को टिकाना है, फिर एक एक पैर को बारी बारी से ऐसे मोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आपको 50 तक की काउंटिंग करनी है एक बार में। अब पीठ के बल लेटेंगे, नेक्स्ट जो योगी का अभ्यास है उसमें उल्टी साइकिल चलानी है। साइकिल चलानी है उल्टी, एक पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। इस प्रकार आपको एक एक पैर से 10 से 20 बार दोहराना है। तो ये जो मैंने अभी योगिक अभ्यास बताया, इसको अगर आप दिन में 3 से 5 बार करते हैं तो आपके घुटनों की जो दर्द की समस्या है उससे आप निजात पाएंगे। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक नुस्खे की। तो उसके लिए आपको करना ये है, मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें बता रहा हूँ, वो आपको 100-100 ग्राम लानी है। सबसे पहली चीज़ है हल्दी, उसके बाद में मेथी, उसके बाद में सौंठ, अश्वगंधा और पुनर्नवा। ये 5 चीज़ें आपको 100-100 ग्राम लानी है। इनको कूट पीस के रख लें, फिर इसमें से 1 चम्मच पाउडर का 1 गिलास पानी में डालना है और उसको इतनी देर उकालना है कि उसमें से आधा बच जाए, आधा या आधे से कम। अगर आपको मीठा पीना पसंद है तो उसमें मिश्री मिला लें, नहीं तो उसको आप जो नॉर्मल गुनगुना रहे तब छान के आपको सुबह और शाम पीना है। तो ये करेंगे तो आपका जो घुटनों का दर्द है वो बहुत जल्दी ठीक होगा। साथ में एक प्राकृतिक उपचार बताता हूँ। उसके लिए आपको जो सूती कपड़ा आता है, जो कॉटन का, वो लेना है, लगभग 2 मीटर लंबा और चौड़ाई में लगभग आधे फीट का हो। उसको पानी में आपको भिगोना है। फिर जिस घुटने में दर्द है, अगर दोनों में दर्द है तो दोनों पे लगा लें, नहीं तो एक पे लगा लें। घुटने पे उसको बिल्कुल लपेटना है गीला करके और उसको हल्का सा निचोड़ लें, इतना भी गीला ना हो कि उसमें से पानी टपके या फिर इतना भी सूखा ना हो कि बिल्कुल वो सूख जाए। तो आपको उसको लपेटना है। फिर उसके ऊपर एक ऊनी कपड़ा लेना है, उतना ही चौड़ा, उसको सूखा रखते हुए उसके ऊपर लपेट लें और 1 घंटे तक उसको बांध के रखें, फिर उसको खोल दें। ये हुआ घुटने के दर्द का प्राकृतिक उपचार। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हरिओम।